दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी फिर से अपना सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। 2 सितंबर से सदस्यता अभियान का पहला चरण शुरू होगा जो कि 25 सितंबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। पीएम मोदी पार्टी के पहले सदस्य होंगे। लोग नमो ऐप और क्यूआर कोड के जरिए पार्टी के मेंबर बन सकते हैं। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा और सूत्रों की माने तो पार्टी ने 20 करोड़ लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। 2 सितंबर से ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा, जिसमें नए सिरे से सभी मौजूदा जो सदस्य हैं उनको भी फिर से सदस्य होना होगा। तो 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी। आगरा में सास पर बहू की पिटाई करने का आरोप है। महिला का आरोप है कि उसकी सास अपने ऊपर भूत का साया होने का ढोंग करती है। हफ्ते में 3 दिन सास पर भूत का साया इसी तरह से होता है और तब सास बहू को बुरी तरह से पीटने लगती है। सास कई बार बहू को गर्म चिमटे तक से दाग चुकी है, जिसके बाद वो परेशान होकर अपने मायके आ गई। उसने अब पति से इसकी शिकायत की है तो पति ने भी भूत का साया होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया है। पीड़िता ने थाना पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर किया है। हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी सास को कोई बाबा आते हैं कोई या उनके कोई देवता पूर्वज आते हैं जो भी होंगे उनके के वो आते हैं और जब वो आते हैं तो वो उस बहू के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं। इस बात कई बार मारपीट हुई तो इसकी शिकायत जब उसने अपने पति से की तो उस पति का जवाब ये था कि ये तो बहुत समय से है, मेरे पापा के साथ भी सब हुआ करता था, मेरी माँ को अचानक बाबा आ जाते हैं, शायद वो किसी की सिद्धि करती हैं किसी की पूजा करती हैं वो आ जाते हैं तो फिर वो इसी तरह से मारपीट करते हैं और पूरी कॉलोनी मोहल्ला या जो खानदान के लोग हैं वो उस महिला का कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके कोई तरफदारी नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं कि बाबा नाराज है और वो इस तरह की मारपीट कर रहा है तो तुमने कुछ किया होगा। जबकि सही बात यह है कि देखने में ऐसा लगता है कि वो शायद कुछ आपसी चीजें होती हैं, किसी बात को लेकर बहस होती है, वो सास नाराज हो जाती है तो अपनी नाराजगी को उतारने का उसका एक तरीका है कि वो बाबा आने का अपने ऊपर वो करती है कि मुझ पर कोई बाबा वगैरह आ गया। साहब मेरी सास भूत का साया होने का ढोंग करती है और हफ्ते में 3 दिन मेरी बुरी तरह से पिटाई लगाती है। जब ये शिकायत लेकर एक बहू पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस भी माथा पकड़ने पर मजबूर हो गई। पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। हालांकि जब काउंसलर्स ने पति और पत्नी दोनों को बुलाया। फरुखाबाद में फांसी के फंदे पर 2 लड़कियों के शव लटके मिले। दोनों शव बगीचे में पेड़ से लटके मिले। एक ही दुपट्टे से दोनों के शव लटके मिले। परिजनों ने हत्या का शव लटकाए जाने की आशंका जताई है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वारदात की जानकारी होने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुट गई। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के भगौतीपुर गांव की घटना है। दोनों लड़कियां कल रात जन्माष्टमी पर मंदिर गई थी और देर रात तक नहीं लौटने पर परिजनों को लगा कि वो बुआ के घर रुक गई होंगी। सुबह पेड़ से लटकते शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को उसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी भी मौके पर पहुंचे। को शंका यह है कि ये इनकी कोई हत्या की गई है। अच्छा, दोनों शादी हो चुकी थी? नहीं, शादी नहीं। अच्छा, एक की उम्र 18 साल की लगभग है, हमारी बबली थी, उसकी उम्र करीब 15-16 साल की। अच्छा, इनके पास से क्या क्या मिला है? इसके पास एक मोबाइल रखा हुआ पेड़ के बीच में और चप्पल थी और कोई नहीं सामान था। अच्छा, फांसी लगाई कैसे इन लोगों ने? हाँ, दुपट्टा था एक बीच में पड़ा हुआ है और दोनों दुपट्टा इकट्ठे करके और सैंपल एक पड़ा हुआ है दोनों, तो एक ऊपर थी एक नीचे थी। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाके छानबीन की, फिर पाया कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ, एक की उम्र 18 और दूसरी की 15 बताई जा रही है और वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपस में पड़ोसी भी हैं। दोनों के शव वहाँ एक ही दुपट्टे से, 2 दुपट्टों को उन्होंने आपस में टाई करके और एक पेड़ की टहनी से एक दुपट्टे के एंड से एक लड़की और दूसरी दुपट्टे के एंड से दूसरी लड़की के शव वहाँ लटके हुए मिले।
प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा लग रहा था कि लड़कियों ने वहाँ पे पेड़ पे चढ़ करके ऐसा किया है, परंतु जो भी घटना है इसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद पूरी तरह से पूरे घटनाक्रम का पता चल पाएगा। गाजीपुर में आरपीएफ के दो जवानों की हत्या के मामले में पुलिस ने चार शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में से एक ने भागने की कोशिश की और भाग रहे बदमाश ने पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से बदमाश घायल हो गया। गहमर थाना क्षेत्र के बकौनिया गांव में यह एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें 20 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर आरपीएफ जवानों के शव मिले थे। बहराइच में आदमखोर भेड़िये का आतंक जारी है। बीती रात मां के साथ सो रहे 5 साल के बच्चे को एक भेड़िया खींच ले गया और घर से करीब 200 मीटर दूर धान के खेत में विक्षत हालत में बच्चे का शव पड़ा हुआ मिला। पिछले 1.5 महीने में भेड़िया 8 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। मामला खैरीघाट थाना क्षेत्र के दीवानपुरवा गांव का है। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से अब लोग दहशत में है। वन विभाग की टीमें भेड़ियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। कैसे कटी ये थी पौड़े ना तो हाँ। भाई एक हम बेसि दूध पिया वाला के दो हेलंग से उठा ले चले हम जान नहीं ना पाए हम इकट्ठे में ताल में उठा ले चले गए मेरे भैया का। तो जानकारी कैसे हुई आपका तब ना पाए हैं तब ऐसे से गए हैं ढूंढे हैं खूब ढूंढे हैं ना पाए हैं तब गए हैं वैसे लग तब ऐसे ढूंढे लगे तब पापा और ऐसे गए तब पाई नहीं। छत्तरपुर के प्रधान के द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ पर एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। हल्ला हुआ, वन विभाग की टीम आई, फोर्स आई और जितनी भी टीमें लगी हुई थी गश्त में वो सब आई। ड्रोन कैमरा भी आया तब तकरीर यहाँ पे मौके पर जांच हुई। जब तो पता लगा कि एक हमारे दीवानपुरवा मजरे के सिपाही लाल का पोता सजन का लड़का है और उसी की लाश है। पोस्टमार्टम के लिए गई है, अब आगे वैधानिक कार्रवाई। नोएडा के सेक्टर 72 में कार पार्किंग को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में काफी देर तक लाठी डंडे और बैट चले। एक पक्ष के लोगों ने तो बैट और दूसरे की कार ही तोड़ डाली। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें कुछ महिलाएं भी मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। झगड़े में दोनों ही पक्षों के कई लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आगरा के इत्मादौला क्षेत्र के एएस अस्पताल में स्टाफ का मारपीट करते वीडियो सामने आया है। अस्पताल स्टाफ ने तीमारदारों के साथ मारपीट की है। स्टाफ ने बुजुर्ग और महिलाओं के साथ मारपीट की है जिसमें 2 महिलाएं घायल हो गईं। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एएस अस्पताल पहले भी विवादों में रहा है और मारपीट के वीडियो भी सीएमओ ने जांच शुरू कर दी है। रायबरेली में एनटीपीसी में कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी के डब्बे आपस में टकरा गए। गलत ट्रैक पर आने से हादसे की वजह इसको बताया जा रहा है, जबकि मालगाड़ी का एक डब्बा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा एनटीपीसी ऊंचाहार परिसर के अंदर हुआ है। आगरा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पड़ोस के ही 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप है। इत्मादौला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी और आरोप है कि 25 अगस्त की रात को नाबालिग घर से जनरल स्टोर पर सामान लेने गई थी। तभी पड़ोस के रहने वाले 3 युवक उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ऑटो में ले गए। सुनसान जगह पर ले जाकर पहले युवकों ने खुद शराब पी और किशोरी को जबरन शराब पिलाई, उसके बाद गैंगरेप किया, फिर किशोरी को लाकर मोहल्ले में छोड़ दिया। घर लौटी किशोरी ने परिजनों से आपबीती बताई जिसके बाद परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत की। झांसी पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करके उनके पास से चोरी की 6 बाइक्स बरामद की। गिरोह पिछले कई महीने से शहरी इलाकों में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। सार्वजनिक जगहों से लेकर घरों के बाहर खड़े 2 पहिया वाहनों पर उसकी नजर रहती थी और पुलिस ने 3 शातिरों को जेल भेज दिया है। पुलिस पूछताछ में और भी कई सुराघात लगे हैं जिनको लेकर जांच की जा रही है।
बिजनौर के चांदपुर इलाके में कक्षा 6 के छात्र की टीचर और मैनेजर ने पिटाई कर दी। इसके बाद बच्चे के परिजनों ने स्कूल स्टाफ के खिलाफ थाने में तहरीर दी, जिसके मुताबिक बच्चा स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। 23 अगस्त को शाम करीब 3 बजे उसके ट्यूशन टीचर राहुल सिंह ने उसे डंडे से पीटा और टीचर ने मैनेजर से शिकायत की तो उसने भी पीटा। परिजनों के मुताबिक इसमें बच्चे को गंभीर चोट आई। उन्होंने कल हॉस्टल से बच्चे को लाने में देने में स्कूल प्रबंधन पर आनाकानी करने का आरोप लगाया है। परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है, बच्चे का मेडिकल कराया गया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। तो हमारे ट्रेनिंग ट्यूशन पढ़ रहा था, तो हम एक लड़के को बुक लेने गए थे। पहले तो हम राहुल सर ने हमारी दो ढूंढी, फिर राहुल सर आए गए तो राहुल सर मैनेजर सर के पास पहुंच गए। तो मैनेजर सर आए तो उन्होंने हमारे हाथ में हमारे घर से फोन बुलाई दे दिया, तो राहुल मैनेजर सर ने हमारे को ढूंढी मेरे पास। लखीमपुर खीरी के ग्रामीण इलाके में बाघ की दस्तक से दहशत है। एक बाघ अचानक खेतों में पहुंच गया, जिसमें काम कर रहे किसानों ने भागकर अपनी जान बचाई। बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है। खेतों में बाघ की मौजूदगी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मामला मौलानी थाने के कुकरा इलाके का है। लोग खेतों पर जाने से डर रहे हैं। सोनभद्र में बिजपुर इलाके में अजीर नदी उफान पर है। जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल हैं। कई इलाकों में नदी और नाले उफान पर हैं। देर रात ओबरा डैम का एक फाटक खोलना पड़ा और रात से लगातार पुल के ऊपर पानी चल रहा है। उधर करमा क्षेत्र में पुल बहा, जिससे कई गांवों का संपर्क टूटा। जरहा में एम्बुलेंस, दोपहिया, चारपहिया, स्कूल के छात्र छात्राएं फंस गए। केंद्र सरकार की जनधन योजना के एक दशक पूरे हो गए हैं। जनधन योजना के 10 साल होने पर नमो ऐप पर क्विज के जरिए पीएम मोदी के साइन की हुई किताब जीतने का एक मौका है। 10 सवालों का जवाब देने पर पीएम मोदी के हस्ताक्षर की किताबें मिल सकती हैं। ये क्विज आज पूरे दिन नमो ऐप पर लाइव है। नमो ऐप पर जाकर पूछे गए सवालों का जवाब देकर पीएम के साइन वाली किताबें जीत सकते हैं।